बुलंदशहर जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला अपने मिट्टी के बने बर्तनों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। बुलंदशहर जिला मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बुलंदशहर में स्थित है। दोस्तों, बुलंदशहर जिले की स्थिति की बात करें तो बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल अमरोहा जिला, बदायूं जिला, अलीगढ़ जिला, गाजियाबाद जिला और गौतम बुद्ध नगर जिला हैं। गंगा यमुना नदियों के किनारे बसा बुलंदशहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 504 किलोमीटर, वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली से 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के इतिहास पर नजर डाले तो प्राचीन काल में इस स्थान को बरन के नाम से जाना जाता था। उस समय के बाद इस शहर की स्थापना राजा आई बरन के द्वारा की गई थी। यह शहर कालांतर में बुलंदशहर के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बुलंदशहर जिले में कुल 7 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल सदर, सिकंदराबाद, खुर्जा, अनूपशहर, शिकारपुर, सियाना, डिबाई हैं और जिले में 25 पुलिस स्टेशन, 16 ब्लॉक, 651 ग्राम पंचायतें और कुल गांवों की संख्या 1245 है। 4441 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बुलंदशहर की जनसंख्या 40,54,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 21,37,000 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 19,16,000 है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश राज्य का 27वां और भारत का 200वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से बुलंदशहर जिले में 77.37% हिंदू, 22.22% मुसलमान, 0.45% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से बुलंदशहर जिले की कुल साक्षरता दर 68.88% है। अग्रसेन पीजी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, दिगंबर पीजी कॉलेज जैसे कई प्रमुख शिक्षण संस्थान बुलंदशहर जिले में मौजूद हैं। बुलंदशहर की मुख्य अर्थव्यवस्था यहाँ के प्रमुख उद्योगों पर निर्भर है, जिसमें शामिल पेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे कई छोटे बड़े उद्योग जिले में मौजूद हैं, जो कि यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर आवागमन के दृष्टिकोण से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, बुलंदशहर का मुख्य रेलवे स्टेशन बुलंदशहर रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन हापुड़ खुर्दा लाइन पर स्थित है। इस स्टेशन से होकर कई प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियां गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सड़क मार्ग, इस शहर से होकर नेशनल हाईवे संख्या 34 गुजरती है, जो आगे चलकर लखनऊ, आगरा जैसे शहरों से जोड़ती है और शहर में मौजूद बस अड्डा, जहाँ से देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों को नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग, बुलंदशहर का सबसे करीबी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि नई दिल्ली में मौजूद है। बुलंदशहर की सरजमी पर कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जिसमें शामिल महान क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव, महान फिल्म डायरेक्टर मनोज शर्मा जैसी कई महान हस्तियों ने इस जिले का नाम रोशन किया है। बुलंदशहर अपने खान पान के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, जिसमें शामिल चटपटी चिक्की, इदरीस की बिरयानी, काली चरण का समोसा, दिलसाद की चाय, बास्केट चाट और राज कचौरी अपने लजीज स्वाद के लिए पूरे बुलंदशहर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, बुलंदशहर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। ऊंचा गांव का किला, बुलंदशहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक किला गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस ऐतिहासिक विशाल किले का निर्माण 1850 ईस्वी में करवाया गया था। यहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बेलोन मंदिर, यह मंदिर बुलंदशहर के बेलोन गांव में स्थित काफी प्रसिद्ध मंदिर है। पुराने समय में इस मंदिर के आसपास बेल के बगीचे हुआ करते थे, जिससे इसे बेलोन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर सर बेला देवी माता जी को समर्पित है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखने को मिलती है। कुचेसर का किला, बुलंदशहर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शानदार किला, इस किले का निर्माण 18वीं सदी में जाट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किले के चारों ओर आम के बड़े बड़े बगीचे मौजूद हैं। करणवास,
यह ऐतिहासिक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर महाभारत कालीन लोकप्रिय कल्याणी देवी माता जी का मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में दानवीर कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना दान किया करते थे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात कर्णवास स्थान पर जाने से ही पता चलेगा। दोस्तों, यदि आप कभी बुलंदशहर जाते हैं तो इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर एक बार जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।